बहुचर्चित थोकिया गैंग द्वारा 22 जुलाई 2007 में एसटीएफ के 6 जवानों व एक मुखबिर की हत्या मामले में आया फैसला। बांदा जेल में निरुद्ध सभी 13 आरोपियों को अदालत से सुनाई उम्र कैद की सजा। विशेष न्यायाधीश डकैती नूपुर शर्मा ने सुनाया फैसला। 15 वर्षों से डकैती कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। 22 जुलाई 2007 को जनपद के फतेहगंज थाना क्षेत्र के बागोलन तिराहे में चार पहिया वाहन में सवार एसटीएफ के 6 जवानों सहित 7 लोगों की ठोकिया गैंग ने की थी हत्या। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता, चित्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार सिंह, डीजी सिंह। आज किस तरीके का मामला था जिसका फैसला आया है? ये मामला था 22 जुलाई 2007 का। 2007 में जो ठुकिया गैंग था, जो बहुत चर्चित गैंग था, उस गैंग के सदस्यों ने एसटीएफ के जवानों को मारा था, जिसमें सात जवान शहीद हुए थे। हाँ, उसी में इनका FIR हो करके ये केस चला था। 2007 से आज तक चला, अब आज तक सारे मुलजिम जेल में हैं। किस अदालत से ये फैसला? ये हुआ विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र। क्या सजाएं हुई हैं, कितने मुलजिमों को क्या क्या सजाएं न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में? 13 मुलजिमों का जो ट्रायल चला पूरा आज तक, सभी मुलजिमों को बराबर सजा हुई है, आजीवन और 20,000 जुर्माना। और भी अन्य धाराएं हैं, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा हुई है, 501,000। और कुछ मामलों में कुछ नाम उनके मुलजिमों के, जो मुलजिमों का नाम इस मामले के FIR करता कौन थे? धीरेन्द्र राय, एसटीएफ सीओ थे, धीरेन्द्र राय जी थे, वही एसटीएफ की पूरी वो कर रहे थे, उन्हीं के निर्देश में सब चल हुआ था, उन्होंने वही वादी मुकदमा थे। पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे हुई थी ये घटना? ये घटनाक्रम ये हुआ कि एसटीएफ का जो एसटीएफ टीम चल रही थी, अध्यक्ष प्रभावित क्षेत्र जो सफाया का चल रहा था, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, तो तब धीरेन्द्र राय अपनी टीम को लेकर के ये बेड़ा पहाड़ जाते हैं। बेड़ा पहाड़ के पुलिया में वहाँ जानकारी मिली कि कुछ बदमाश बाल्टी में खाना लेकर के जाते हुए देखे गए हैं। तब ये जाते हैं तो वहाँ पूरी टाइमिंग करके पूरा देखते हैं, तो एक मुलजिम पहले मारा जाता है, एक अभियुक्त मारा जाता है मैया तीर, फिर उसकी लाश को लेकर के ये चलते हैं। तो वहाँ से जब आ रहे थे, कच्ची रास्ताओं से हल्का हल्का पानी बरसा हुआ था, और जो ही आते हैं क्योंकि ऊंची टुकड़ियों से आ रहे थे, तो पहले से ये दस दल के सदस्य सभी घात लगाए बैठे थे।